हेलो हाय। हेलो, कैसे हो सब लोग? हाय मैम, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? हेलो, माय सेल्फ कोमल प्रजापति, अहमदाबाद गुजरात से। क्योंकि कई बार ऐसा होता है मैं किसी को नाम नहीं बोलती हूँ तो फिर सब लोगों को ऐसा है कि मेरा नाम क्या है, नाम भूल जाते, इसीलिए आज मैंने पहले स्टार्टिंग में ही बोल दिया। और मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ। हाय मैम, हाय, आप कैसे हो सब लोग? जो लोग भी ज्वाइन हो रहे हैं वो आपका सिटी का नाम लिख के कमेंट में सेंड कीजिए ताकि पता चले आप लोग कहाँ से मेरा लाइव मेकअप आज देखने वाले हो। अभी सब लोग और ज्वाइन हो जाए, उसके बाद में हम मेकअप स्टार्ट करेंगे। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने मेकअप किया था तो उसमें बहुत से आर्टिस्ट का ऐसा रिक्वायरमेंट था कि फॉरएवर 52 के प्रोडक्ट से आप मेकअप करके बताइए। तो आज हम जो भी मेकअप करने वाले हैं उसमें मोस्ट ऑफ हम फॉरएवर 52 के प्रोडक्ट का यूज करेंगे। तो आप पूरा लाइव एंड तक देखना, अच्छी तरह से देखना कि हम कैसे प्रोडक्ट का एप्लीकेशन करते हैं, कैसे ब्लेंडिंग करते हैं, कौन सी जगह पे कौन सा प्रोडक्ट लगाना है, कैसे आई शेडो करना है। तो सारा चीज हम फॉरएवर 52 का ही आज यूज करने वाले। तो अब हम मेकअप स्टार्ट करेंगे। और आज मैं मेकअप नहीं करने वाली हूँ क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसीलिए आज जो हमारे यहाँ पे हेयर स्टाइल करते हैं मैडम वो आज मेकअप करने वाले हैं। मैं आपके साथ ओनली बात करूंगी, आज मेकअप जो हेयर स्टाइल करते हैं वो मैडम करने वाले हैं। अभी मैं आपसे मैडम से मिलवाती हूँ। हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग? ये हमारे यहाँ पे हेयर स्टाइल करते हैं। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसीलिए मेकअप आज वो करने वाले, आपको मेकअप बताएंगे करके कि फॉरएवर 52 से कैसे मेकअप किया जाता है। तो अब हम मेकअप स्टार्ट करेंगे। तो अभी हमने फेस को क्लीन किया है, फेस को हमने क्लीन किया है। तो कौन सा प्रोडक्ट यूज किया आपको प्रोडक्ट हमने स्क्रीन के ऊपर शो किया होगा। तो पीएसी का प्रोडक्ट यूज किया है, फिर से एक बार हम प्रोडक्ट बता देंगे आपको। अब टोनर एप्लीकेशन कर रहे हैं, पिक्सी का टोनर लिया है। अल्फा ब्यूटी के हू आर्टिस्ट, अभी जो आपके साथ में मैं बात कर रही हूँ मेरा नाम कोमल प्रजापति है और जो मेकअप कर रहे हैं उनका नाम रीना द्विवेदी है। भावना ब्यूटी के, हेलो मैम, हेलो, आप कैसे हो?
अब हम स्प्रे कर रहे हैं जिसको सेटिंग स्प्रे बोलते हैं। तो फॉरएवर 52 का स्प्रे किया है अभी, उसको अभी ड्राई कर रहे हैं। मिष्टी मेकअप स्टूडियो, हेलो कैसे हो, हम सब ठीक है, आप कैसे हो? मिष्टी मेकअप स्टूडियो हमारे स्टूडेंट है, हमारे यहाँ से उन्होंने मेकअप हेयर स्टाइल सलून का कोर्स कंप्लीट किया है। जैस्मिन ब्यूटी केयर, हेलो तो बोलो मैम। हेलो मैम, स्प्रे के पहले क्या लगाया था? स्प्रे के पहले पिक्सी का टोनर लगाया था। अभी फॉरएवर 52 का वाटर बेस मॉइस्चराइजर एप्लीकेशन कर रहे हैं। काजल ब्यूटी केयर मैम, अभी स्टार्ट ही किया है। हाँ अभी स्टार्ट ही किया है, अभी सबसे पहले वेट वाइप से फेस क्लीन किया, उसके बाद में पिक्सी का टोनर किया, थर्ड वो सेटिंग स्प्रे किया, और अभी जो कर रहे हैं वो वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर है। आई एम फ्रॉम उत्तराखंड मैम, आपके वीडियो रोज देखती हूँ, नाइस मैम, बहुत अच्छे करते हो, थैंक यू सो मच नेहा। अर्पिता पवार मैम, ये वीडियो बाद में भी दिखेगा ना? हाँ वीडियो सेव रहेगा। अभी जो लगा रहे फॉरएवर 52 का, क्या है इसका नाम? मैट बेस प्राइमर है। तो आप देख सकते हो कि पहले हमने जो किया था वाटर बेस, उससे थोड़ा स्किन पे साइन लग रहा था, अभी जब हम ये वाले प्रोडक्ट का एप्लीकेशन करेंगे तो स्किन हमको थोड़ी मेट लगेगी। प्राइमर दोबारा सो कीजिए ना प्लीज। जो लोग न्यू ज्वाइन हो रहे हैं वो आपका नाम लिख के, आपके सिटी का नाम लिख के सेंड कीजिए, और ये वाला जो हमारा आईडी है वो आगे भी आप शेयर कीजिए, ताकि आपके फ्रेंड सर्कल में भी किसी को मेकअप देखना हो तो वो इजीली देख सके। और मैं आपको ये भी बोलने वाली हूँ कि हमारा ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होने वाला है 15 सितंबर से 19 सितंबर तक हमारा ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होने वाला है। दो प्राइमर क्यों यूज किए? अभी जो कर रहे फिर से सेटिंग स्प्रे लिया है, और फिर से अभी सेटिंग स्प्रे करेंगे हम। नीलो फॉर आई एम फ्रॉम इंदौर, थैंक यू सो मच, आप इतना दूर से मेरा लाइव देख रहे हो। राधे ब्यूटी पार्लर पाली ताना, थैंक यू सो मच ज्वाइन होने के लिए। कीर्ति बोलो मैम, दिल्ली में आते हो? आप बुलाओगे तो हम दिल्ली भी आएंगे। आयुषी चतुर्वेदी मध्य प्रदेश,
ऑनलाइन क्लास का जो टाइमिंग है वो और 2 दिन का ऑनलाइन क्लास भी है 18 और 19 तारीख का, उसका टाइमिंग 11 बजे का है। 11 बजे से लेके 5 बजे तक का क्लास रहेगा। 2 आपको लाइव मेकअप बताए जाएंगे, एक दिन में 2 मेकअप यानी 4 आपको लाइव मेकअप बताएंगे और 6 आपको प्री रिकॉर्डेड वीडियो दिए जाएंगे जो 6 मंथ तक आपके पास सेव रहेंगे। डी भरूच कब आओगे? आप जब बुलाओगे अवनी ब्यूटी केयर सलून, हम भरूच भी आएंगे। अब 4 Ever 52 का कैरेक्टर पैलेट लिया है, देख सकते हो आप उसमें कितने सारे शेड है, तो स्किन पे जहाँ पे भी हमको प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है तो हम स्किन के प्रॉब्लम को हाइड करने के लिए ऑरेंज और स्किन टोन 2 शेड लिए हैं और उससे जहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम है प्रॉब्लम को अच्छी तरह से हाइड करेंगे। जैस्मिन ब्यूटी केयर फ्रॉम जूनागढ़, थैंक यू सो मच, जूनागढ़ से ज्वाइन हो आप और हमारा लाइव देख रहे हो। पायल जल पार्लर फ्रॉम राजकोट, थैंक यू पायल। श्री ब्यूटी पार्लर में अभी ज्वाइन हुई हूँ, कोई बात नहीं, वीडियो सेव रहेगा, आप अभी ज्वाइन हुए तो अभी से आप पूरा एंड तक देखना क्योंकि 4 Ever 52 का प्रोडक्ट आज हम यूज करेंगे। बहुत से लोगों ने हमको बोला था कि 4 Ever 52 का प्रोडक्ट से आप मेकअप करके बताइए, तो आज हम जो भी मेकअप करने वाले उसमें 4 Ever 52 का प्रोडक्ट का यूज करेंगे। सुषमा झांसी से, जो मेकअप कर रहे हैं मैडम वो भी झांसी से ही है। तो आप आगे से आगे ये लिंक शेयर कर दीजिए ताकि झांसी वाले सब लोग मेकअप सीख ले 4 Ever 52 से कैसे मेकअप होगा। वॉचिंग फ्रॉम केन्या, थैंक यू सो मच। ऑफिशियल नंदनी, आई एम कोलकाता मैम, थैंक यू सो मच, कोलकाता से आप हमारा मेकअप देख रहे हो। मैम जस्ट गोल्ड फाउंडेशन कैसा है? रानी मेकअप एक्सपर्ट, मैंने फाउंडेशन जस्ट गोल्ड का अभी यूज नहीं किया है इसीलिए मैं आपको नहीं बता सकती कि जस्ट गोल्ड का फाउंडेशन कैसा है। मैंने जो प्रोडक्ट यूज किया है जिससे मैंने मेकअप किया है उसी के बारे में मैं आपको पूरा अच्छी तरह से समझा पाऊंगी। जो मैंने कभी यूज नहीं किया उसके बारे में मैं उसका कोई रिव्यू आपको नहीं दे पाऊंगी, उसके लिए सॉरी। ऑरेंज करेक्टर कौन सा अच्छा था है? सारे ऑरेंज करेक्टर अच्छे आते हैं, आपको कैसा लेना है, आपका बजट कितना है उसके हिसाब से आप प्रोडक्ट ले सकते हो। जलपा 4 Ever 52 के फाउंडेशन सेट मेम बताइए, अभी हम फाउंडेशन करेंगे 4 Ever 52 का, स्किन पे हम शो कर देंगे, आप देख लेना। अभी हमने सिर्फ करेक्टर किया है, स्किन पे जो भी प्रॉब्लम है उसको अभी हमने हाइड किया है। अब वेट ब्यूटी ब्लेंडर से जो कंसीलर किया था उसको ऐसे ब्लेंड कर रहे हैं, तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि कैसे हम ब्लेंड कर रहे हैं। मनीषा हाय मैम नागपुर, थैंक यू सो मच मनीषा। हुडा ब्यूटी फाउंडेशन कैसा आता है? हुडा ब्यूटी के फाउंडेशन बहुत अच्छे आते हैं, लॉन्ग लास्टिंग भी है, वाटरप्रूफ भी है, उसका कवरेज भी बहुत अच्छा है। अब 4 Ever 52 के फाउंडेशन आपके सामने हमने स्क्रीन पे शो किया है, नंबर हम अभी आपको बताएंगे। एक जो फाउंडेशन है उसका नंबर है, क्या नंबर है? 01। और दूसरा जो अभी ले रहे हैं वो अभी हम बताएंगे, 2 हम मिक्स करने वाले।
इसका नंबर अभी आप देख लेना। एक हमने लाइट शेड लिया है, दूसरा हमने डार्क शेड लिया है, उसका नंबर है 1212 भावना ब्यूटी केयर। मैम मैक का भी मेकअप ट्यूटोरियल करना, तो अब नेक्स्ट टाइम हम मैक के फाउंडेशन से मेकअप बताएंगे आपको। अभी देखो हमने मिक्स किया है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि मिक्स करने से जो मॉडल का स्किन टोन है वो एग्जैक्ट हमको मिल गया है। तो जब भी हम फाउंडेशन एप्लीकेशन करते हैं तो नेक से स्टार्ट करना चाहिए, ताकि हमको स्किन के अकॉर्डिंग हमारा शेड सेलेक्ट है या नहीं, या फिर ज़्यादा डार्क है लाइट है, वो सब हमको पता चलेगा। तो जब भी हम फाउंडेशन एप्लीकेशन करते हैं तो फाउंडेशन एप्लीकेशन का स्टार्टिंग हमको नेक से ही करना है। भूमिका कड़ी, थैंक यू भूमिका। साक्षी चौधरी, मैम ऑयली स्किन के लिए कौन सा फाउंडेशन अच्छा है? अगर किसी की बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है तो आपको ऐसे फाउंडेशन यूज करने जो थोड़े थिक हो, लिक्विड वाले यूज नहीं करने। सबसे पहले तो आपको ऑयली स्किन का प्राइमर, मॉइस्चराइजर, वो स्किन प्रिपरेशन आपको अच्छी तरह से करना है, उसके बाद में हमको फाउंडेशन सिलेक्शन करना है। फॉरएवर 52 के ऑल स्किन में जाएंगे? हाँ, फॉरएवर 52 के जो फाउंडेशन है, एक लाइट लेना है, एक डार्क लेना है, तो वो ऑल टाइप स्किन पे वर्क करता है। लेकिन आपको मिक्सिंग करने आना चाहिए कि स्किन के अकॉर्डिंग हम शेड को कैसे मिक्स करके एग्जैक्ट शेड बनाएंगे। गुरप्रीत मेकअप आर्टिस्ट, मैम कौन सा ब्रांड का फाउंडेशन यूज किया? फॉरएवर 52 का फाउंडेशन यूज किया है। मैम फाउंडेशन शेड बताइए प्लीज। काजल ब्यूटी के फाउंडेशन हमने फॉरएवर 52 का यूज किया है। एक का नंबर है 01 जो लाइट शेड है, और जो डार्क शेड है उसका नंबर है 012। भावना ब्यूटी केयर, मैम योर नाइस मेकअप आर्टिस्ट, थैंक यू सो मच भावना। ड्राई स्किन के लिए फाउंडेशन, ड्राई स्किन के लिए हमको लिक्विड फाउंडेशन यूज करना है, और ऐसा जरूरी नहीं है कि ड्राई वाला थिक वाला फाउंडेशन ड्राई स्किन पे नहीं चलेगा। स्किन का प्रिपरेशन हमको अच्छी तरह से करना है, स्किन के अकॉर्डिंग हमको मॉइस्चराइजर, प्राइमर, टोनर सब लगाना है, उसके बाद में हमको फाउंडेशन एप्लीकेशन करना है। अभी वेट ब्यूटी ब्लेंडर लिया है और उससे हमने जो फाउंडेशन एप्लीकेशन किया है उसको अच्छी तरह से ऐसे ब्लेंड करेंगे। मनीष मेकअप स्टूडियो एंड एकेडमी, मैम सबसे अच्छा लाइनर कौन सा है? सबसे अच्छा लाइनर इंग्लोट का जेल लाइनर है, जो लाइनर और काजल दोनों में यूज होता है। गुरप्रीत मेकअप आर्टिस्ट, प्लीज सो फाउंडेशन। अभी हम आपको बताएंगे फिर से फाउंडेशन शो करके। शिल्पा सेन, सबसे अच्छा ब्रांड कौन सा है? किसके बारे में आप पूछ रहे हो? फाउंडेशन कंसीलर किसके बारे में आप पूछ रहे हो कि सबसे अच्छा? फिर से एक बार फाउंडेशन शो कर, हम फाउंडेशन फिर से शो कर रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो फाउंडेशन का। मैडम ब्लेंडर ड्राई है या वेट? ब्लेंडर को हमने वेट किया है, ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर से कभी भी ब्लेंड नहीं करना है। जब भी हम कोई चीज को ब्लेंड करते हैं तो उसमें हमको उसको वेट ही रखना है। मैम ऑयली स्किन के लिए कंसीलर गुड रहेगा? प्लीज टेल मी, कौन से कंसीलर की आप बात कर रहे हो? कंसीलर बहुत सारे आते हैं, लिक्विड वाले भी आते हैं, थिक वाले भी आते हैं। वृंदा नंबर कौन सा है? 01
और 012। जो लाइट शेड है उसका एक नंबर है 01 और जो डार्क शेड है उसका 12 नंबर है 012। CTM करने के बाद डायरेक्ट फाउंडेशन अप्लाई करना है। अभी हम लिक्विड कंसीलर कर रहे हैं, फॉरएवर 52 का लिक्विड कंसीलर लिया है। CTM करने के बाद हमको प्राइमर करना है, फिर करेक्टर करना है और उसके बाद में हमको फाउंडेशन करना है। बेस्ट कंसीलर कौन सा है? अगर आपको बेस्ट कंसीलर चाहिए मोनिका, तो आप फॉरएवर 52 का ले सकते हो, जो उसका प्राइस भी बहुत कम है, आपके अफोर्डेबल रहेगा। अगर आपके पास बजट अच्छा है तो फिर आप टाट का कंसीलर ले सकते हो। ओवरगल का फाउंडेशन कैसा रहेगा ऑल स्किन टाइप? द हेवन ब्यूटी सलून, मैंने ये वाला फाउंडेशन यूज नहीं किया है। जो प्रोडक्ट मैंने यूज किया है उसके बारे में मैं आपको अच्छी तरह से समझा पाऊंगी, सो इसके लिए सॉरी। शिल्पा सेन, ऐसे दो फाउंडेशन बताओ जो हमारी वैनिटी में हो और ऑल पर्पस हो जाए। तो आप एक हुडा का शेड ले सकते हो और एक आप नार्स का ले सकते हो। हीना पार्लर, मैम आपका नेचर सॉफ्टी है, इसको ऐसे ही रखना, हमेशा बताए की तरह, हमेशा बाकियों की तरह घमंड मत लाना। नहीं, ऐसा नहीं होता है, मेरे में ऐसा कोई घमंड नहीं है। अगर घमंड हो तो मैं आपसे ऐसे अच्छी तरह से बात ही नहीं करूं। ओके, थैंक यू मैम। पूजा शर्मा, पूजा शर्मा करेक्टर कौन सा अच्छा रहेगा? अगर आपको जैसे आपका बजट अच्छा है तो फिर आप मेक का ले सकते हो। अगर नॉर्मल प्राइस में अगर आपको कोई प्रोडक्ट लेना है तो क्यूटी ब्यूटी का ले सकते हो, फॉरएवर 52 का ले सकते हो। अभी जो लिक्विड कंसीलर हमने यूज किया है ओनली फॉरएवर 52 का, जो ओनली हाइलाइटिंग पार्ट पे यूज किया, अभी उसको भी ब्लेंड कर रहे हैं वेट ब्यूटी ब्लेंडर से। वृंदा, अगर आपको हुडा का शेड लेना है तो आप हुडा का डार्क वाला शेड ले सकते हो, 410 जो डार्क शेड है और पंजाब जो नार्स का लाइट शेड है, तो दोनों को जब आप मिक्स करोगे तो आपके पास मीडियम टोन का फाउंडेशन अपने आप बन जाएगा। अगर आपका श्री ब्यूटी पार्लर, अगर आपका ब्लेंडिंग अच्छा है तो आपको ये वाला कंसीलर चलेगा आईज के ऊपर भी। केपी मेम, ब्लेंडर को कैसे क्लीन करना रहेगा? वो भी हम आपको बताएंगे एक दिन कि कैसे क्लीन करते हैं। हम नॉर्मली उसको क्लीन कर देते, शैम्पू से वॉश कर देते, एक दिन हम उसको शैम्पू से पूरा भिगो के रखते, दूसरे दिन हम उसको क्लीन कर लेते हैं नॉर्मल वाटर से। कॉम्पैक्ट स्किन टोन के अकॉर्डिंग लेना है या स्किन टोन सेट 1 या 2 शेड लाइट ले सकते हैं? अब आपको मैं आंसर देती हूँ। अभी आप देखिए स्क्रीन पे, अब हम कॉन्टोर करेंगे, तो जो फॉरएवर 52 की कैरेक्टर पैलेट है उसके अंदर लाइट डार्क दोनों शेड दिए हुए, तो कॉन्टोरिंग कैसे करना है वो आप स्क्रीन पर देखिए। अभी कॉम्पैक्ट भी हमको दो रखने, एक लाइट और एक डार्क। तो आप वो फॉरएवर 52 का लेते हो तो उसमें भी आपको लाइट डार्क लेना है, और अगर मेक का लेते हो तो उसको हम स्टूडियो फिक्स बोलते हैं, तो मेक का आप NC42 और NC45 ले सकते हो।
मैम वीडियो सेव रहेगा? हाँ वीडियो सेव रहेगा। हुडा का शेड बताओ, हुडा का आपको कौन सा शेड लेना है, लाइट या डार्क, आप मुझे लिख के भेजिए। धर्मिष्ठा मैम ब्लैक स्किन पे कौन सा फाउंडेशन? ब्लैक स्किन पे हमको स्किन के अकॉर्डिंग फाउंडेशन बनाना है। जो हमारे पास फाउंडेशन है लाइट और डार्क, उसमें से स्किन के अकॉर्डिंग फाउंडेशन बनाना है। जैसे बहुत ज्यादा डार्क है तो हम डार्क वाला लगाएंगे, अगर बहुत ज्यादा मीडियम है तो उसमें हम लाइट और डार्क दोनों मिक्स करेंगे। क्राइलोन का करेक्टर ठीक रहेगा? हाँ क्राइलोन का आप ले सकते हो। मैम हेयर स्टाइल लाइव क्लास? हाँ हेयर स्टाइल के भी लाइव क्लास हम करेंगे बहुत जल्दी। काजल ब्यूटी केयर, मैम फाउंडेशन के बाद कंसीलर करना है? यस फाउंडेशन के बाद हमको कंसीलर करना है, लिक्विड कंसीलर ओनली हाइलाइटिंग पार्ट पर। मेकअप बाय सेबरीन, मैम इमेजिक की आई शेडो पैलेट कैसी है, ब्राइडल पर यूज कर सकते हैं? मैंने आई शेडो पैलेट ये वाली यूज नहीं की है। मेरे पास जो आई शेडो की पैलेट है वो कार्निवल की है और हुडा की है और मॉर्फी की है और फॉरएवर 52। सीमा यादव, मैम कौन सी पैलेट यूज कर रहे हो? फॉरएवर 52 की पैलेट अभी हमने यूज की है। मेकओवर बाय ब्यूटी क्वीन, मैम आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? आपकी एकेडमी कहाँ है? मेरी एकेडमी अहमदाबाद में है, आप कहाँ से हो? अगर आपको ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट से मेकअप देखना है तो 5 दिन के हमारे मास्टर क्लास होने वाले हैं और आपके पास जो प्रोडक्ट है उससे कैसे मेकअप करना है अगर आपको वो सीखना है तो 5 दिन के मास्टर क्लास है। उसमें आपको न्यू ट्रिक टेक्निक से कैसे मेकअप किया जाता है वो सारा सिखाया जाएगा। उसकी फीस 15,000 रूपए है जो 5 दिन के क्लास रहेंगे और 2 दिन का मैंने ऑनलाइन क्लास रखा है क्योंकि कई लोग बहुत दूर से है तो अहमदाबाद नहीं आ सकते, उन लोगों के लिए मैंने 2 दिन का ऑनलाइन क्लास रखा है जिसकी डेट है 18 और 19 सितंबर। उसकी फीस है 1500 रूपए। उसमें टोटल आपको 10 लुक बताए जाएंगे, 4 आपको लाइव मेकअप बताए जाएंगे और 6 आपको प्री रिकॉर्डेड वीडियो दिए जाएंगे जो आपके पास 6 मंथ तक सेव रहेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैंने नंबर भी पिन करके रखा है और मेरा ब्यूटी का जो मेरा ब्यूटी केयर का कोमल ब्यूटी केयर करके मेरा इंस्टा आईडी है वो भी मैंने पिन करके रखा है। तो आप मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, जिसको आप जो भी इंटरेस्टेड है तो आपको अच्छी से डिटेल हम समझा देंगे कॉल पे और मैसेज से। अभी क्रीम ब्लशर कर रहे हैं हम, प्रोडक्ट हमने शो किया है। सुप्रिया मैम मेरे पास भी फॉरएवर 52 का कॉन्टोर पैलेट है बट वो पाउडर टाइप है तो यूज कैसे करना है? आपके पास कौन सा पैलेट है आप उसका फोटो खींच के मुझे सेंड करना। मैम फाउंडेशन कौन सा लिया है? फाउंडेशन फॉरएवर 52 का ही यूज किया है। अहमदाबाद में कहाँ है? अहमदाबाद में बापू नगर में है, सलून मेरा बापू नगर में, एकेडमी भी बापू नगर में ही है। मैम फाउंडेशन के बाद क्रीम हाइट लाइटिंग कर सकते हैं क्या? मुझे समझ में नहीं आया हीना, आप फिर से क्वेश्चन कीजिए। ये ब्लशर कौन सा है? अभी हम शो कर देंगे। रीनी देखो आपको हम प्रोडक्ट शो कर रहे हैं।
अभी हुडा का टीएल पाउडर लिया है, शेड है बनाना। मेकओवर बाय दीपिका, मैम स्किन के अकॉर्डिंग कैरेक्टर यूज होता है क्या? यस, स्किन के अकॉर्डिंग ही हमको कैरेक्टर पैलेट में से कंसीलर यूज करना है। वीडियो सेव रहेगा क्या? हाँ वीडियो सेव रहेगा। मेरे से लाइनर पे क्रीज होती है तो पहले क्या लगाना चाहिए? लाइनर को कैसे लगाना है वो अभी हम लाइनर करेंगे, तब आप देखना कि कैसे आईज को होल्ड करना है और फिर कैसे लाइनर लगाना है। पटेल अनीता, फॉरएवर 52 के कौन कौन से शेड लेने चाहिए? फाउंडेशन की बात कर रहे हो आप या फिर कंसीलर की? फॉरएवर 52 का फाउंडेशन सेट कौन सा लिया है मैम? आर कछवा, फॉरएवर 52 के दो सेट लिए, एक लाइट और डार्क। जो लाइट वाला शेड है उसका नंबर है 01 और जो डार्क वाला शेड है उसका नंबर है 012। पैलेट के फोटो कौन से नंबर पर सेव करूं? जो नंबर मैंने पिन करके रखा है उस पे सेव कर सकते हो, या फिर ब्यूटी केयर करके मैंने जो आईडी पिन करके रखी है उस पे भी आप कर सकते हो। आप बहुत अच्छा सिखाते हो, प्लीज कॉन्टेर का एक बार अच्छा से बता दो मैम। फिर से पूछिए, आपको कॉन्टोर का पूछना है या फिर करेक्टर का? फिर से आप मुझे क्वेश्चन कीजिए। रानी मेकअप एक्सपर्ट मैम, आपका एकेडमी किधर है? मेरी एकेडमी अहमदाबाद गुजरात में, आप कहाँ से हो? आप सब कहाँ से मेरा लाइव मेकअप अभी देख रहे हो? सब कमेंट में लिख के भेजिए। पाउडर कौन सा है? पाउडर अभी हमने जो यूज किया वो हुडा का पाउडर है। क्रीम ब्लशर कौन सी ब्रांड का अच्छा आता है? अभी जो हमने यूज किया था रेनी का किया है हमने यूज। अभी स्टूडियो फिक्स देखो आप, स्क्रीन पे हमने शो किया है। अभी जो एप्लीकेशन कर रहे हैं उसका नंबर है NC42, जो लाइट शेड है। भीलवाड़ा, भरूच, जूनागढ़, राजकोट, सोलापुर, सब लोग दूर दूर से हमारा लाइव देख रहे हैं। थैंक यू सो मच जो आप अपना टाइम निकाल के मेरा लाइव मेकअप देख रहे हो अभी। मैम रेगुलर मेकअप एक बार करके दिखाइए, नेक्स्ट हम रेगुलर मेकअप कैसे करते हैं सेल्फ मेकअप वो बता देंगे एक बार। मैंने पहले भी बहुत सारा लाइव मेकअप में सेल्फ मेकअप 2-3 बार बताया था, शायद आपने नहीं देखा। तो अब नेक्स्ट जब भी सेल्फ मेकअप लाइव में मैं जब बताने वाली हूँ तब एक आप मेरा जो कोमल ब्यूटी केयर करके इंस्टा पेज है उसको फॉलो कर लीजिए, आपको अपडेट मिलता रहेगा। गुरप्रीत मेकअप आर्टिस्ट, यस हमने बनाना शेड यूज किया है अभी हुडा का। आप ब्रश कौन से ब्रांड के यूज कर रहे हो? अभी जो पाउडर ब्रश यूज किया है वो PAC का है, नंबर है 301। जो पाउडर ब्रश है वो PAC का है। अल्पा मैक के स्टूडियो फिक्स के दो सेट बताइए। मैक के स्टूडियो फिक्स अगर आपको लेने तो आप दो सेट NC42 और NC45 या फिर 46 आप ले सकते हो। हीना, हेलो मैम, हेलो।
मिस सविता नागपुर, पटेल अनीता करी, मनीष मेकअप स्टूडियो झांसी से, मैम जो मेकअप कर रहे वो भी झांसी से ही है। आई एम फ्रॉम दुबई। विच फाउंडेशन इज यूज, अभी हमने जो फाउंडेशन यूज किया है वो फॉरएवर 52 का यूज किया है। अभी हम मेकअप फिक्सर करें, फॉरएवर 52 का मेकअप फिक्सर करेंगे अभी हम। मैम कॉन्टोरिंग के ऊपर कौन सा पाउडर लगाया? जहाँ पे हमने कॉन्टोर किया था उसके ऊपर हमने स्टूडियो फिक्स यूज किया था, जिसका नंबर है NC42 और NC50, जो डार्क शेड है। अगर आपके पास NC50 नहीं है तो आप NC46 भी ले सकते हो। पायल राजकोट से, रिद्धि ब्यूटी पार्लर, परसे और रोकवा शू कर दू, उसके लिए हमको स्किन का प्रिपरेशन अच्छा करना रहेगा। आपकी इंस्टा आईडी शो करो ना मैम। अगर मैं आपको आईडी बताऊंगी तो वो उल्टा दिखाई देगा, तो मैं आपको नाम, मेरा जो आईडी का नाम है वो मैंने नीचे पिन करके रखा है, कोमल ब्यूटी केयर करके मेरा इंस्टा आईडी है, और मैंने नंबर भी पिन करके रखा है 7490027079। उस पर आप कॉल करके, मैसेज करके आप पूछ सकते हो पूरा डिटेल। मैम ये क्या था फैन? ये नॉर्मल फैन है जिससे हमने जो फिक्सर किया था उसको ड्राई किया है और कुछ भी नहीं किया। मिस्टी मेकअप स्टूडियो फिक्सर कौन सा है? फॉरएवर 52 का फिक्सर किया अभी हमने। अभी हम हाइलाइटर कर रहे हैं, तो ओफ्रा का हाइलाइटर पैलेट है, उसमें से अभी हाइलाइटर कर रहे हैं जो हाइलाइटिंग पार्ट पे। फाउंडेशन कौन सा यूज करना है? मैम गर्मी में मेकअप रेड़ाई जाए छे, उसके लिए हमको वाटरप्रूफ मेकअप करना है। वाटरप्रूफ लॉन्ग लास्टिंग फाउंडेशन हमको यूज करने तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा। सुषमा मैम आपका नंबर दो ना प्लीज, मैंने मेरा नंबर नीचे पिन करके रखा है। मनीष मेकअप स्टूडियो बेस्ट ब्यूटी ब्लेंडर कौन सा है मैम? फॉरएवर 52 का भी अच्छा आता है, ब्यूटीलिशियस का भी अच्छा आता है, पीएसी का भी अच्छा आता है। शिल्पा सेन क्राइलोन के कंसीलर कैसे है? क्राइलोन के कंसीलर बहुत अच्छे हैं। निधि हमारा रिप्लाई दीजिए, क्या पूछा निधि आपने, फिर से पूछिए। खुशी अब फिर से हम मेकअप फिक्सर कर रहे हैं। वाटरप्रूफ फाउंडेशन कौन सा अच्छा आता है मैम?
मेकअप स्टूडियो का अच्छा आता है। सॉरी काजल, मैंने मेकअप स्टूडियो का अभी कोई प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया है, तो मैं आपको मेकअप स्टूडियो के बारे में अभी नहीं बता सकती हूँ। अभी जो ब्लशर किया है वो नार्स का ब्लशर हमने यूज किया, और हाइलाइटर जो यूज किया है वो ओफ्रा की हाइलाइटर पैलेट में से हाइलाइटर किया। अब आई मेकअप स्टार्ट करेंगे, तो आई मेकअप पे हमको पहले आई बेस करना है। तो आई बेस में नार्स का सॉफ्ट मैट कंसीलर लिया है, निधि आपका क्वेश्चन मुझे नहीं मिल रहा है, आपने लिखा अरे दीजिए रिप्लाई प्लीज, उसके आगे मुझे आपका कोई क्वेश्चन अभी नहीं दिखाई दे रहा है, एक बार फिर से पूछ लीजिए आप। रीता ठक्कर, फुल कवरेज फाउंडेशन कौन सा अच्छा आता है? हुडा का फाउंडेशन ले सकते हो आप। एनके मेहंदी, लॉन्ग लास्टिंग काजल कौन सा है? इंग्लोट का काजल लॉन्ग लास्टिंग है। सुषमा मैम, मुझे हुडा का एक ही शेड लेना है, कौन सा लू? आपके पास दो शेड होने चाहिए, एक लाइट और एक डार्क। तो अगर आपके पास लाइट शेड है तो आप डार्क वाला ले सकते हो हुडा का, जिसका नंबर है 410। अगर आपके पास दूसरी ब्रांड का कोई फाउंडेशन है जो डार्क है तो फिर आप लाइट शेड ले सकते हो। अभी हम आई मेकअप स्टार्ट करेंगे। रूपल आप मुझे फिर से क्वेश्चन पूछिए। आई के लिए कंसीलर ही लगता है क्या? फाउंडेशन लगा नहीं सकते? लगा सकते, फाउंडेशन भी हम लगा सकते हैं रूपल, हमारा ब्लेंडिंग अच्छा होना चाहिए।
सुषमा जाके ऊपर मैंने पूछा है, सुषमा जाके ऊपर मुझे जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है वो एम के मेहंदी का है। निधि आप फिर से पूछ लीजिए, नहीं तो आप मुझे डायरेक्ट डीएम करना, मैं आपको उसमें आंसर दे दूंगी। बीच आई शेडो पैलेट, अभी जो हम आई शेडो पैलेट यूज कर रहे हैं वो बी परफेक्ट कार्निवल की पैलेट है। और जो हम कलर ले रहे हैं वो सारे कलर शो कर रहे हैं हम स्क्रीन पर, तो आप कलर देखते जाइए कि कौन कौन सा कलर हमने यूज किया है। काजल ब्यूटी के प्लीज मैम रिप्लाई, क्या पूछा काजल आपने? मैम वाटरप्रूफ फाउंडेशन कौन सा अच्छा आता है? वाटरप्रूफ फाउंडेशन आता नहीं है, हमको उसको बनाना पड़ता है। हुडा का वैसे वाटरप्रूफ है, आप वो यूज कर सकते हो। अगर आपके पास कोई दूसरी ब्रांड का फाउंडेशन है तो आपको उसमें मैजिक ड्रॉप डालना रहेगा जिससे वो वाटरप्रूफ फाउंडेशन बन जाएगा। रेशमा मेकअप एक्सपर्ट, नहीं मिल रहा आपका इंस्टा आईडी में। सुप्रिया, मेरे पास फॉरएवर 52 के दो शेड है, फाउंडेशन का एक मीडियम और एक फेयर, तो मैं डार्क स्किन के लिए कौन सा फाउंडेशन ले सकती हूँ? तो आप एक पहले डार्क वाला शेड लीजिए, फिर फेयर और डार्क दोनों को जब मिक्स करोगे तो मीडियम टोन बन जाएगा आपका। तो आप ऐसे दो शेड ले सकती हो, एक डार्क और एक लाइट। गुरप्रीत मेकअप आर्टिस्ट, आई शेडो पैलेट का नाम शो कीजिए, हम अभी पैलेट शो करेंगे। बी परफेक्ट कार्निवल की पैलेट है। मैम दिस मेकअप आर्टिस्ट इज योर स्टूडेंट? वो स्टूडेंट थे, अभी स्टूडेंट नहीं है, वो हेयर स्टाइलिस्ट है, मेरे सलून में वो हेयर स्टाइल करते हैं, उनको मेकअप भी आता है, तो आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसीलिए वो मेकअप कर रहे हैं आज।
अब कट क्रीज आईज के लिए टाट का लिक्विड कंसीलर लिया है और उससे एक शेप क्रिएट करना है कट क्रीज आईज बनाने के लिए। तो कैसे कट क्रीज आईज बनाएंगे वो आप अच्छी तरह से देखना। टाट का कौन सा शेड यूज कर रहे हैं? टाट का लाइट शेड लिया है, नंबर है 16N। दीप्ति पांडे 4EVER 52 PRO विजन का शेड है, यस हमने अभी जो यूज किया है वो प्रो है, 4EVER 52 PRO उसका लाइट शेड है जिसका नंबर है 01 और जो डार्क शेड है उसका नंबर है 012। मैम ये ब्रश शो कीजिए, ब्रश का नंबर है 307। काजल ब्यूटी केयर ये कौन सा कंसीलर है मैम? ये टाट का लिक्विड कंसीलर है जिससे क्रीज लाइन क्रिएट कर रहे हैं। दुल्हन मेकओवर कौन से ब्रांड की है मैम ब्रश? ब्यूटीलिशियस का ब्रश है जो फ्लैट ब्रश है स्मॉल साइज का। ब्रश का नंबर एक बार फिर से बोलो, 307। 307 ब्रश का नंबर है, ब्यूटीलिशियस 307। अभी व्हाइट कलर लिया है और जो ब्रश का यूज कर रहे हैं वो पेंसिल ब्रश है, PAC का, नंबर है 016। तो ऐसे आपको कौन सी जगह पे कौन सा ब्रांड का कंसीलर यूज करना है, कौन से कंसीलर का कितना कवरेज है, कितना लॉन्ग लास्टिंग है, फाउंडेशन कौन सा लेना चाहिए और या फिर आपके पास जो भी प्रोडक्ट है उससे कैसे मेकअप करना है, वो सारा ट्रिक आपको जो मेरे ऑफलाइन क्लास होने वाले हैं 15 सितंबर से लेके 19 सितंबर 5 दिन का क्लास रहेगा, उसमें डेली आपको 2 लुक बताए जाएंगे और आपको प्रैक्टिस भी करना है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जो मैंने आईडी पिन करके रखा है, नंबर पिन करके रखा है, तो उस पर आप रजिस्टर करवा सकते हो और पूरा डिटेल भी जान सकते हो कॉल या मैसेज करके। अगर आप बहुत दूर से हो आप ऑफलाइन क्लास नहीं कर सकते हो क्योंकि मेरा एकेडमी अहमदाबाद गुजरात में, जो लोग गुजरात से बाहर है अहमदाबाद में नहीं रहते, बहुत दूर दूर से है, तो उनको अगर मेरा मेकअप सीखना है तो 2 दिन का मैंने ऑनलाइन क्लास रखा है जिसकी डेट है 18 सितंबर और 19 सितंबर, उसकी फीस है 1500 रुपये। उसमें आपको 10 लुक बताए जाएंगे,
चार आपको लाइव मेकअप बताए जाएंगे और छह आपको प्री रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे जो 6 मंथ तक आपके पास सेव रहेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जो नंबर मैंने पिन करके रखा है, जो आईडी पिन करके रखा है, उस पर रजिस्टर करवा सकते हो आप। कॉल करके पूछ सकते हो पेमेंट कैसे करना है, वो सारा डिटेल हम आपको बताएंगे अच्छी तरह से क्या क्या सिखाने वाले हैं। तो ऑफलाइन नहीं कर सकते हो तो वो ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हो आप। ऑफलाइन की फीस है 15,000 रूपए और ऑनलाइन की फीस है 1,500 रूपए। मैम आप बहुत ही अच्छे हो और अच्छे से क्वेश्चन के आंसर दे रहे हो मैम, लव यू मैम, थैंक यू सो मच काजल ब्यूटी केयर। सुप्रिया ऑनलाइन क्लास में सर्टिफिकेट मिलेगा? यस, आपको ऑनलाइन में भी सर्टिफिकेट मिलेगा और ऑनलाइन ऑफलाइन में भी सर्टिफिकेट मिलेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास अच्छा प्रोडक्ट है लेकिन जब तक हमको उसका नॉलेज नहीं रहता है तब तक भी हमारे मेकअप हम चाहे कितना भी अच्छा करे उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होता रहता है। तो प्रोडक्ट नॉलेज से लेके आपके पास जो भी प्रोडक्ट है उसको कैसे एप्लीकेशन करना है, कैसे ब्लेंडिंग करना है, वो सारा आपको ऑफलाइन क्लास में और ऑनलाइन क्लास में दोनों में सिखाया जाएगा। अगर आप ऑफलाइन नहीं अटेंड कर सकते हो, बहुत दूर से हो आप लोग, तो आप मेरा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अभी आप लोग मुझे अच्छी तरह से शायद नहीं जानते हो, अभी आपने मुझे सिर्फ लाइव मेकअप ही देखा है मेरा, तो आप पहले मेरा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकती हो। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मेरा ऑफलाइन क्लास कर सकते हो। हाउ मच इज ऑनलाइन फीस? ऑनलाइन की फीस है 1500 ग्लो 5253 मेकअप। ऑनलाइन क्लास की फीस है 1500 रूपए। आप ऑनलाइन क्लास अगर मेरा ज्वाइन करना चाहते हो तो जो नंबर पिन करके रखा है, आईडी पिन करके रखी है, आप उस पर रजिस्टर करवा सकते हो और दोनों क्लास में आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। मैम पूना से हूँ। सुप्रिया थैंक यू सो मच, आप पूना से मेरा लाइव देख रहे हो। साई ब्यूटी एक्सपर्ट, मैम कब से है ऑनलाइन क्लास? ऑनलाइन क्लास की डेट है 18 और 19 सितंबर और ऑफलाइन की डेट है 15 सितंबर से लेके 19 सितंबर। सिद्धि मेकओवर, हाय मैम, मुझे आपका मेकअप बहुत बहुत अच्छा लगता है या फिर बहुत अच्छा नहीं लगता है? मैम ऑफलाइन की फीस क्या है? ऑफलाइन की फीस 15,000 रूपए है दर्शन मेकओवर। मस्करा कौन सा है? अभी मस्करा नहीं किया, अभी लाइनर ही की हमने। सिद्धि मेकओवर बहुत अच्छा लगता है मैम, थैंक यू सिद्धि। टाइम कौन सा रहेगा? ऑफलाइन क्लास का टाइम 11 बजे का है और ऑनलाइन का भी 11 बजे का है।
सिद्धि मेकओवर, आप कहाँ से हो? मैं अहमदाबाद से हूँ, आप कहाँ से हो? वेर आर यू फ्रॉम अहमदाबाद? आई एम फ्रॉम अहमदाबाद। आज का जो आई मेकअप है उसका नाम है कट क्रीज विथ ग्लिटर लाइन। तो ग्लिटर लाइन हमने कैसे की, पहले लाइनर किया, उसके ऊपर जो लैसिस ग्लू है उससे एक लाइन क्रिएट की और उसके ऊपर हम ग्लिटर को स्टिक कर रहे हैं जो पाउडर ग्लिटर है। अभी हम ग्लिटर लगा रहे हैं, LIT का पाउडर ग्लिटर हम लगा रहे हैं। ये ग्लू कौन सा है? हमने जो अभी ग्लू यूज किया है वो ग्लू का नाम है हाइपोटिका, जो लैसिस ग्लू है। वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम अहमदाबाद, आप कहाँ से हो? मैम आपने जो क्रीज बनाई है उसके ऊपर कौन सा शेड दिया है? पहले लाइट ब्राउन फिर डार्क ब्राउन। अगर लाइनर लगाते टाइम ऊपर नीचे लग जाते हैं तो क्या करें, उसमें आपको प्रैक्टिस करना रहेगा और हम कुछ नहीं कर सकते हैं। दिल्ली से हो आप? थैंक यू सो मच ज्वाइन होने के लिए। अब आप मुझे कमेंट में ये बताइए कि मैं जब भी लाइव मेकअप बताती हूँ तो कौन कौन मेरा लाइव डेली देखते हैं, जब भी मैं लाइव आती हूँ तब आप मुझे कमेंट में लिख के सेंड कीजिए। गुरप्रीत, हमने पहले दो शेड लिया, लाइट ब्राउन डार्क ब्राउन, फिर लिक्विड कंसीलर से कट क्रीज आई बनाई और उसके बाद में आउटर में हमने डार्क शेड को ब्लेंड किया और इनर कॉर्नर से आई बोल तक व्हाइट कलर का शेड लिया है जो कार्निवल की पैलेट में है। व्हाइट शेड को कट क्रीज जो आईज बनाई है उसके ऊपर हमने कलर डिपॉजिट करके उसको ब्लेंड किया है। दुल्हन मेकओवर, ये ग्लिटर कौन सा है? मैम LIT का ग्लिटर यूज किया है। दीप्ति, आप लाइव आते हो स्टोरी पे डालते हो? यस, हम स्टोरी पे डाल देते हैं जब भी हम लाइव आने वाले हैं तब। सुप्रिया हमारा रोज मेकअप देखती है। अर्चना सोनी, मेकओवर थैंक यू सो मच, आप दिल्ली से डेली मेरा मेकअप देखते हो जब भी मैं लाइव आती हूँ। मिथू प्रजापति थैंक यू सो मच। मिथू प्रजापति शायद मेरा सिस्टर इन लॉ है। रेशमा थैंक यू रेशमा, आप आपका टाइम निकाल के मेरा मेकअप देखते हो। ये आई मेकअप किसको कर सकते हैं? इस टाइप का आई मेकअप आप जैसे रिसेप्शन ब्राइड है,
या फिर कोई पार्टी मेकअप में कर सकते हो। प्रिंसी मेकओवर में देखती हूँ। थैंक यू प्रिंसी। प्रिंसी शायद वही है, अभी हमको 2 दिन से हमारे साथ में ही थी। प्रजापति मैम, आप लाइव किस टाइम में आते हो? मैं जब भी लाइव मेकअप बताती हूँ, मेरा टाइम 3:30 या 4 बजे का ही होता है। अगर आपको ऐसा अपडेट मिलता रहे, उसके लिए आप मेरा इंस्टाग्राम आईडी फॉलो कीजिए पहले, जो मैंने पिन करके रखा है, कोमल ब्यूटी केयर करके मेरा इंस्टा आईडी है। तो आप मेरा आईडी पहले फॉलो कीजिए तो आपको अपडेट मिलता रहेगा। अभी हम जो यूज कर रहे हैं काजल का, वो इंग्लॉट का काजल है, जो बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, वाटर प्रूफ है। आपकी ब्राइडल कितना भी रोएगी तो भी काजल नहीं निकलेगा। आउटर में कौन सा कलर किया? आउटर में हमने डार्क शेड लिया है, डार्क ब्राउन। सेम आई मेकअप करना है तो कलर कोई भी ले सकते हैं। अगर आप कोई भी कलर लोगे तो अलग टाइप का आई मेकअप बनेगा। अगर सेम आपको ऐसा आई मेकअप करना है तो हमने जो कलर यूज किया वो आपको लेना रहेगा, तो हमारा जैसा सेम आई मेकअप बनेगा। सायोना ब्यूटी केयर कौन सा काजल है? इंग्लॉट का काजल अभी हम यूज कर रहे हैं, जो लाइनर और काजल दोनों में यूज होता है। कीर्ति मैम, काजल कौन सा है? इंग्लॉट का काजल है, काजल हम फिर से शो करेंगे। फिर से हमने काजल शो किया है, आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैम इंग्लॉट ड्राई हो जाए तो? इंग्लॉट के काजल के साथ में उसका ड्यूरा लाइन लिक्विड आता है। अगर काजल ड्राई हो जाता है तो आप जो लिक्विड इंग्लॉट का लिक्विड है, जिसको ड्यूरा लाइन बोलते हैं, उसका 1 ड्रॉप काजल के अंदर ऐड कीजिए, फिर उसको अच्छे से मिक्स कीजिए, काजल ऑटोमेटिक आपका लिक्विड हो जाएगा। काजल ब्यूटी केयर मैम, आपकी आईडी शो करो। आईडी मैंने पिन करके रखा है, @ कोमल ब्यूटी केयर करके मैंने आईडी पिन किया है। नाइस आई मेकअप, थैंक यू सो मच सायोना ब्यूटी केयर। आई मेकअप बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, थैंक यू। प्रिंसेस काजल इंग्लॉट का यूज किया है हमने। फिर से बताइए काजल। फाउंडेशन ठीक हो तो उसे पतला करने के लिए क्या यूज करें? उसके लिए एसेंशियल ऑयल आता है, PSE में मेकअप बिल्डर आता है, वो आप ले सकते हो, या फिर आपके पास दोनों में से कोई भी नहीं है तो आप इंग्लॉट का ड्यूरा लाइन भी ऐड कर सकते हो। साई ब्यूटी एक्सपर्ट, टाइम बताओ ना मैम, कौन सा टाइम आप पूछ रहे हो? मैंने टाइम बताया आपको, ऑफलाइन क्लास करना है तो उसका भी टाइम 11 बजे का है, ऑनलाइन करना है तो ऑनलाइन का भी 11 बजे का टाइम है। लोअर लेस में हमने 2 कलर यूज किया, एक लाइट डार्क ब्राउन और दूसरा ब्लैक, दोनों को मिक्स करके हमने काजल के साथ में लोअर लेस पे ब्लेंड किया है।
वाटरप्रूफ कैसा है होगा काजल? इंग्लॉट का काजल बहुत वाटरप्रूफ है और बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, तो आप इंग्लॉट का यूज कर सकते हो। अभी हम आईब्रो डिफाइन कर रहे हैं, तो आईब्रो डिफाइन में जो प्रोडक्ट का यूज कर रहे हैं वो एनास्तासिया का प्रोडक्ट है। मैम आपने जो बेस लगाया है प्लीज बताओ ना कौन सा यूज किया है। अगर आपने मेरा पूरा वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो सेव रहेगा, आप पूरा वीडियो देखना, उसमें मैंने सारा प्रोडक्ट भी शो किया है, सब नंबर भी मैंने डिटेल के साथ में समझाया है, कैसे यूज करना है सब कुछ मैंने डिटेल के साथ में समझाया। आप पूरा वीडियो देखना टाइम निकाल के, आपको सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अभी जो लोग लाइव में मेरा मेकअप देख रहे हैं, कितने लोग ऑनलाइन क्लास करने के लिए इंटरेस्टेड है मुझे कमेंट में लिख के सेंड कीजिए। मैम समर में मेकअप ब्लैक हो जाता है। साई ब्यूटी एक्सपर्ट, हम दो जन हैं मैम। वीडियो कहाँ से मिलेगा आपको, कैसे वीडियो मिलेगा और कैसे पेमेंट करना है वो सब हम आपको, आप जो नंबर मैंने दिया है पिन करके रखा है और जो मैंने आईडी नीचे पिन करके रखी है, आप मैसेज करना, एक बार कॉल करना, अच्छी तरह से हम आपको डिटेल के साथ में समझाएंगे कि कैसे रजिस्टर करना है, कैसे हम आपको वीडियो देंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जल्दी से जल्दी आप रजिस्टर करवाइए, ताकि आपको अच्छी तरह से सीखने को भी मिलेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ही आप मेरा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना, क्योंकि जो मैं समझाती हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आता है या नहीं, आपको मजा आता है या नहीं, ये सब चीज भी बहुत जरूरी है। कि अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हम ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करेंगे तो हमको अच्छा सा सीखने को मिलेगा, तो आप मेरा क्लास ज्वाइन कर सकते हो। नीलो सेख, मुझे भी करना है मैम ऑनलाइन क्लास, तो आप जो मैंने नंबर दिया है उस पर फोन करके रजिस्टर करवा सकते हो। आईडी भी मैंने मेरी मेंशन करके रखी है नीचे पिन करके, @comalbeautycare करके मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, तो आप उस पर भी मैसेज कर सकते हो। मैम यार बता दिया करो आप कब लाइव होते हो। ऑफिशियल मनी मेकओवर, आप पहले मेरा इंस्टाग्राम आईडी फॉलो कीजिए, तो आपको पूरा अपडेट मिलता रहेगा कि कब मैं लाइव आने वाली हूँ, कितने बजे लाइव आने वाली हूँ, सारा हम इंस्टाग्राम पे स्टोरी पे डाल देते हैं, ताकि सब लोगों को पता चले हम कब लाइव मेकअप बताने वाले। अभी भी बहुत से लोग ज्वाइन हो रहे हैं, तो कहाँ से आप लोग मेरा मेकअप देख रहे हो वो आप लिख के मुझे सेंड कीजिए। और जैसे आप अभी मेरा लाइव मेकअप देख रहे हो, अगर आपके साथ में आपके रेफरेंस से कोई और मेरा ऑनलाइन क्लास बुक करवाता है, तो जिसके रेफरेंस से रहेगा क्लास, तो उसको हम डिस्काउंट देंगे। वैसे मेरी फीस 1500 रुपए है, तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके साथ में दूसरे दो या तीन लोग है तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, आपका जो रजिस्टर होगा वो ओनली 1200 रुपए में होगा। तो ऐसे आपके कोई फ्रेंड सर्कल में किसी को ऑनलाइन क्लास करना है तो ऐसे आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, आपके रेफरेंस से अगर आप दो या तीन लोग को ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करवाते हो तो आपको अच्छा सा बेनिफिट मिलेगा।
200 या 300 रुपीस का आपको डिस्काउंट भी मिलेगा और 1200 में 10 लुक तो वो बहुत ही कम प्राइस है, जिसमें आप घर बैठे 10 मेकअप सीख सकते हो, 6 महीने तक आपके पास वीडियो सेव रहेंगे। दीप्ति पांडे, कोमल ब्यूटी केयर आपका आईडी है? यस, कोमल ब्यूटी केयर मेरा आईडी है। दर्शना, आई एम फ्रॉम मुंबई, थैंक यू सो मच। दर्शन, रीना व्यास, वीडियो सेव रहेगा? यस, वीडियो सेव रहेगा। आईब्रो डिफाइन कौन सा किया? आईब्रो डिफाइन हमने अनास्तासिया क्या किया है अभी। मैं वसई से हूँ, थैंक यू सो मच नीलोफर। मैं कराची से हूँ, थैंक यू सो मच। झांसी से, थैंक यू सो मच। अलवर से, ऑफिशियल मनी मेकओवर। मैंने तो सारा मिस कर दिया, अभी क्या करूंगी, सब तो निकल गया। वीडियो सेव रहेगा, आप देख सकते हो ऑफिशियल मनी मेकओवर। आप वीडियो को अच्छी तरह से देखना, उसमें मैंने पूरा डिटेल के साथ में सब कुछ समझाया है, तो आप टाइम निकाल के पूरा वीडियो देखना, वीडियो मेरा सेव रहेगा। सेजल पटेल, आई एम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, थैंक यू सो मच सेजल पटेल। मैम आपने लेसिस को कट कर दिया? यस, लेसिस का हमको परफेक्ट, पहले रियल लेसिस का मेजरमेंट लेना है, उसके बाद हमको देखना है कि कहाँ से लेसिस बड़ी है, तो वहां से हमको कट करना है और उसके बाद में हमको लेसिस एप्लीकेशन करना है। फुल प्रोडक्ट नॉलेज मिलेगा क्लास में? यस, प्रोडक्ट नॉलेज भी मिलेगा। आपका टाइमिंग क्या रहता है? किसका टाइमिंग पूछ रहे हो आप, फिर से पूछिए। खान एलिजा, मैम प्लीज रिप्लाई, आपने आई लेसिस कट करके लगाई? यस, आई लेसिस कट करके लगाइए। मैम अगर मैं क्लास में लाइव नहीं रह पाई तो मेरे डाउट्स कैसे सॉल्व होंगे? आप मुझे कमेंट कर सकते हो, कमेंट में आप पूछ सकते हो, आपको पूरा अच्छी तरह से आंसर मिलेगा अगर आपको कुछ डाउट हो तो। रीना व्यास, टेन लुक आप कौन से दिखाने वाले हो? उसमें सब तरह का लुक रहेगा, कट क्रीज, फिर होलोग्राफी आईज और ब्राइडल मेकअप रहेगा, रिसेप्शन लुक रहेगा और ट्रेडिशनल लुक रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का आई मेकअप रहेगा, डार्क स्किन पे मेकअप कैसे करते वो भी रहेगा, वाटरप्रूफ मेकअप भी रहेगा। ऐसे सारे जो मेकअप अभी चल रहे वो सारे लुक आपको बताए जाएंगे, ताकि आप घर पे बैठ के अच्छी तरह से सीख सको।
अमित शुक्ला, मैम आई के नीचे क्रीज आती है और क्राइलोन का डर्मा यूज करती हूँ मैं। डर्मा के कंसीलर बहुत ज्यादा थिक आते हैं, तो उसमें आपका ब्लेंडिंग प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि जब तक अच्छी तरह से ब्लेंड नहीं होगा तब तक ये वाला प्रॉब्लम क्रिएट होने ही वाला है, जो क्रीज लाइन आ जाती है वो। अब लिपस्टिक कर रहे हैं तो रिकॉर्ड की लिपस्टिक की है, नंबर है 07। लेंस कौन सा लगाया है अभी हम बताएंगे आपको कि लेंस कौन सा लगाया है। रीना व्यास, कलर थियरी रहेगी, कलर व्हील का अलग से हम पूरा क्लास करेंगे जिसमें ओनली कलर व्हील सिखाया जाएगा, क्योंकि कलर व्हील बहुत बड़ा है, उसमें आईज के कलर समझने रहते हैं, फाउंडेशन कलर समझने रहता है, अंडरटोन समझना रहता है, तो कलर व्हील का अलग से 2 दिन का क्लास रहेगा। ये वाले क्लास में ओनली आपको प्रोडक्ट नॉलेज दिया जाएगा और कैसे मेकअप करना है, आपके पास जो प्रोडक्ट है उससे कैसे मेकअप करना है, कैसे हमको अच्छा मेकअप क्रिएट करना है, वो सारा ट्रिक्स एंड टेक्निक सिखाया जाएगा जो ये 2 दिन का ऑनलाइन क्लास है, क्योंकि 2 दिन में मैं सब कुछ कैसे आपको कवर कर सकूंगी, इसीलिए जो ऑनलाइन में जो कलर व्हील है, कलर व्हील का मैं अलग से क्लास रखूंगी, उसमें टोटल कलर व्हील का ही नॉलेज दिया जाएगा। अगर सब चीज साथ में सीखने जाएंगे तो प्रॉपर हम नहीं सीख पाएंगे, इसीलिए सब चीज सीखना जरूरी है, लेकिन सब चीज को हम धीरे धीरे सीखेंगे। क्योंकि कलर व्हील ऐसी चीज है उसमें ओनली थियरिकल रहता है, तो मैं 11 बजे से लेके 4 बजे तक पूरा अगर आपको थियरी पढ़ाऊंगी तो आप लोग बहुत बोर हो जाओगे, उसमें इतना मजा भी नहीं आएगा, इसीलिए पहले हम पूरा प्रैक्टिकल देखेंगे कि कैसे मेकअप करना है, उसमें आपको जो भी डाउट्स है आप लाइव में पूछ सकते हो, या फिर आप लाइव में ज्वाइन नहीं हो पा रहे हो या फिर लेट ज्वाइन हो रहे हो तो आप मुझे डीएम कर सकते हो, आपको पूरा डिटेल के साथ में मैं समझाऊंगी। और कलर व्हील का हम अलग से क्लास रखेंगे, वो 2 दिन का हम अलग से क्लास रखेंगे, ये वाले क्लास में कलर व्हील का नॉलेज दिया जाएगा, लेकिन बेसिक नॉलेज ही मैं दे पाऊंगी, क्योंकि कलर व्हील की थियरी बहुत बड़ी है, उसको अच्छी तरह से समझना रहता है, तो उसके लिए अलग से 2 दिन का क्लास रखूंगी मैं। दुल्हन मेकओवर, ये लिपस्टिक कलर कौन सा है, लिपस्टिक का नंबर मैंने आपको बताया 07 नंबर है और जो प्रोडक्ट का नाम है वो है रिकॉर्ड। ब्रश हम यूज कर रहे हैं वो ब्यूटीलिशियस का ब्रश, मिसेली पाल्मा का ब्रश हम यूज कर रहे हैं, नंबर है 303। कलर कॉन्टेक्ट लेंस कैसे यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, ड्रेस अकॉर्डिंगली, ऐसा नहीं होता, ड्रेस के अकॉर्डिंग कलर कभी हम ऐसे सिलेक्ट नहीं करने, जैसे हेजल है, डार्क ब्राउन है, आइस ब्लू है, इस तरह के कलर हम लेंगे लेंस के तो वो हमेशा अच्छे लगते हैं जब लेंस वेयर करवाते हैं हम मॉडल को या क्लाइंट को तब।
अब फिर से हमने हाइलाइटर किया, जो अभी हमने हाइलाइटर किया है वो होजो का हाइलाइटर हम यूज कर रहे हैं। मेकअप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, सबको मेकअप कैसा लगा पूरा अच्छी तरह से समझ में आया या नहीं, आप लोगों को मजा आया मेकअप देख के नहीं कि वो सब कमेंट में लिख के भेजिए। और जो लोग अभी ज्वाइन हो रहे हैं उनको मैं फिर से बता दे रही हूँ कि मेरा ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होने वाला है 15 सितंबर से। 19 सितंबर मेरा ऑफलाइन क्लास है जिसकी फीस है 15,000 रुपये और उसमें टोटल 10 लुक्स बताए जाएंगे आपको। और 2 दिन का मेरा ऑनलाइन क्लास है, जो लोग बहुत दूर से है अहमदाबाद नहीं आ सकते, ऑफलाइन क्लास ज्वाइन नहीं कर सकते, तो उन सबके लिए मैंने ऑनलाइन क्लास रखा है। ऑनलाइन क्लास की फीस है 1500 रुपये और उसमें भी आपको टोटल 10 लुक्स बताए जाएंगे, 4 आपको लाइव मेकअप बताए जाएंगे और 6 आपको प्री रिकॉर्डेड वीडियो दिए जाएंगे जो 6 मंथ तक आपके पास सेव रहेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जो नंबर मैंने पिन करके रखा है, जो आईडी मैंने पिन करके रखी है, उस पर आप रजिस्टर करवा सकते हो। और जैसे आपके रेफरेंस से आप 2 या 3 को और रजिस्टर करवाते हो तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, आपको 200 या 300 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा। तो आप सोच सकते हो कि इतने कम प्राइस में इतना सारा मेकअप आप घर पे बैठ के अच्छी तरह से सीख सको। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जो नंबर मैंने दिया है उस पर आप रजिस्टर करवा सकते हो। रियल पे आप हेजल कलर का लेंस पहना सकते हो, हेजल डार्क ब्राउन इस तरह के शेड आते हैं वो आप पहना सकते हो आपके क्लाइंट को। मस्करा लगाएंगे हम, अभी मस्करा लगा ही रहे, फॉरएवर 52 का मस्करा लिया है हमने। मॉडल का नाम बताओ, मॉडल का नाम है खुशी। मेकअप पूरा कंप्लीट हो चुका है, आप लोग देख सकते हो कि मेकअप हो जाने के बाद मॉडल का फेस कितना अच्छा लग रहा है। पहले से हमारी मॉडल अच्छी थी लेकिन मेकअप हो जाने के बाद वो और अच्छी लग रही है। तो आप सब लोगों को मेकअप कैसा लगा? अब मेकअप जूम करके हम आपको बताएंगे। थैंक यू मैम हमारे लिए टाइम निकालने के लिए, हमको मेकअप सिखाने के लिए, थैंक यू सो मच ब्यूटी पार्लर 84। ऑनलाइन क्लास में वैनिटी प्रोडक्ट नॉलेज देंगे मैम? यस, प्रोडक्ट नॉलेज दिया जाएगा। मस्करा हमने फॉरएवर 52 का यूज किया था, मेकअप सबको अच्छा लगा। आज का मेकअप कैसा लगा सबको कमेंट में लिख के भेजिए। लक्ष्मी मेकओवर अच्छा लगा, थैंक यू। नीलोफर बहुत ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। अर्चना सोनी मेकओवर, थैंक यू अर्चना। तो अब हम लाइव को एंड करेंगे, अब नेक्स्ट लाइव में हम मिलेंगे। तो आपको कैसा मेकअप देखना है आप कमेंट में लिख के भेजना कि किस टाइप का आपको मेकअप देखना है। तो बाय बाय गाइज, अब हम नेक्स्ट लाइव मेकअप में मिलेंगे आपके साथ में।